स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में हल्का समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने दो एटम रखे हुए, एक सोडियम का एटम है और ये दूसरा क्लोरीन का एटम है। अब यहाँ पे देखो सोडियम है Na, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है यहाँ पे 11, ठीक है। और वहीं पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे अगर हम लोग सोडियम का तो 2, 8, 1, ठीक है, 8, 2, 10 और 11, ठीक है। तो आउटर सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पे भी आप देखो इसके जो पहला सेल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, 1, 2, जो दूसरा सेल है इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप गिन लो 8 ही है, ठीक है। उसका जो आउटर सेल है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, हमें मतलब रहता है सिर्फ आउटर सेल, ओके। यहाँ पे दूसरा एटम है क्लोरीन एटम, यहाँ पे क्लोरीन का Cl होता है, एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे निकालने का कोशिश करोगे क्लोरीन का तो आएगा 2, 8 और 7, ठीक है। मतलब कि जो सबसे पहला K सेल है उसमें 2, दूसरा जो मिडिल वाला सेल है वहां पे 8 और जो आउटर सेल है वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों में अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा होगा तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये खो दे तो यहाँ पे 2, 8, आउटर सेल में 8 है, हो गया बराबर। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो यहाँ पे 2, 8, 8 बन जाएगा, तो ये भी बराबर, मतलब कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों के स्थिति में सेम चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों स्टेबिलिटी हो गए। तो यहाँ पे होगा ये कि सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, ये कंप्लीटली इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, कम्प्लीटली क्लोरीन को, क्लोरीन के एटम को ट्रांसफर कर देगा। तो होगा ये कि जो सोडियम था वो सोडियम Na+ लिखाएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है, और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन Cl- लिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, ठीक है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को माइनस माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये सोडियम से लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये माइनस दिखा रहा है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पे इसलिए प्लस दिखा रहा है, तो Na+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गया और ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस तरह की जब बॉन्डिंग बनती है तो ये इसको हम लोग कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको ये जो मेन कंसेप्ट था समझाने का, मतलब कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ओके। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, इसके बाद हम लोग दोनों का कंपेरिजन डिफरेंस करेंगे, पहले हम लोग दोनों को अलग अलग से थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिर्फ दे नहीं दिया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दिया, उसके आउटर सेल में भी वो रोटेट करेगा, और जो जिस जो एटम ने दिया उसके आउटर सेल में भी वो आगे घूमेगा, एटम के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोजन का बात कर लो, ठीक है, इसके आउटर सेल में एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके आउटर सेल में यहाँ पे बात हो रही है H2O की, ठीक है, वाटर की बात हो रही है। तो H2O में दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना हो जाएगा, एक, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पे जाएगा 2, 4, सॉरी एटॉमिक, और यहाँ पे ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना हो जाएगा 2, 6, ठीक है, 2, 6 यहाँ पे आउटर सेल में हो गया ऑक्सीजन के, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है और इसका 1 होता है, हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर सेल में और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1-1 है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके में भी घूमेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके में भी घूमेगा, और जब शेयरिंग होता है तो दोनों साइड से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी इसको देगा यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में तो रोटेट करेगा ही, हाइड्रोजन में भी जाके रोटेट करेगा, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, दोनों में शेयरिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हाइड्रोजन के आउटर सेल में देखो, ये जो पिंक वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का है, इसका खुद का तो व्हाइट वाला है और पिंक वाला है, ये भी हो गया, ये दोनों आउटर सेल में हाइड्रोजन का रोटेट करेगा। सिमिलर कंडीशन इसमें भी, दोनों का ऑक्टेट पूरा 2-2 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट, मतलब की जो आउटर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका खुद का, वो तो इसके आउटर सेल में ही घूमेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का, जब एक एक दिया था तो एक एक लेगा भी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, आप टोटल गिनो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑर्बिट में घूमेगा। तो इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से ये हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्योंकि पेयरिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने इसके पिछले बार पार्ट में बताया था कि सिंगल बॉन्ड है मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डबल बॉन्ड रहेगा तो दो पेयर, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो तीन, मैक्सिमम तीन तक ही होता है, चार नहीं होता। अब हम लोग कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। जैसे कि अभी हमने समझाया अच्छे से कि आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और दूसरा उसको गेन कर लेता है, ओके। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर यही होता है, मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले जो जिसका इलेक्ट्रॉन है, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन उसमें तो घूमेगा ही, दूसरे वाले में भी जाके घूमेगा, ठीक है, दोनों में होगा और ये सिर्फ दोनों साइड से होगा, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक में, तो आयोनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, तो उनके जो कंपाउंड बनते हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का, उस तरह से सोडियम क्लोराइड का, इस सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 1000, 2000, 500 से ऊपर चला जाता है, 500, 1000, 2000, 2500 ऐसे चला जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO, इस सब का काफी हाई हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर लो मेल्टिंग, इसका कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि मीथेन CH4, ये गैसेस स्टेट में ही रहता है, ठीक है, इसकी ये तो काफी लो माइनस, इसका एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन माइनस माइनस लगभग 70-80 के आसपास में, -70 डिग्री के आसपास में ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब गैसेस स्टेट में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी लो होता है, और भी जिसको इसके कंपाउंड है, ठीक है, ये सब इसका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसका रीजन क्या होता है वही अगला भी डिफरेंस हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में आयोनिक बॉन्ड में वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, इस कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। जो एक एक मॉलिक्यूल जो बनेंगे उसके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड में ज्यादा होगा और कोवेलेंट बॉन्ड में कम होगा, ओके। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी हम लोग डिफरेंस देख लिए। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, आयनिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसके कारण ये सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ओके। अब नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, हमेशा जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमेशा ये दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ओके। अब एग्जांपल की बात कर ले, अब मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्डिंग होगा, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल जो है NaCl, NaCl सोडियम क्या है मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड CaO मेटल है, ये नॉन मेटल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप सोडियम क्लोराइड ले लो NaCl, ठीक है, यहाँ पे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। उसी तरह से और भी आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहो ले सकते हो, सब में एक मेटल रहेगा एक नॉन मेटल, जो मेटल रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा और जो नॉन मेटल है वो निगेटिव चार्ज उस पर आएगा, मतलब कि जो एनायन बनेगा मेटल आयन और जो कैटायन बनेगा वो क्लोरीन आयन। इसका मतलब जो मेटल आयन होगा वो कैटायन होगा पॉजिटिव चार्ज आयन, और जो एनायन होगा वो निगेटिव चार्ज आयन नॉन मेटल वाला होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें दो नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्डिंग बनता है तो ज्यादातर देखा गया कि वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, CH4 जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इथेन का एग्जांपल ले लो, C2H6 का एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे कि अमोनिया का NH3 का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ये सारे जो है हो गए, ये सारे का सारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया था मेन दोनों के बीच का डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो।